फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की कतली या बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी भुने हुए मूंगफली के दाने, जिसे हमने मध्यम आंच पर भून लिया है, और आधा कटोरी शक्कर, 5-6 बादाम गार्निशिंग के लिए, और इसके अलावा हमें शक्कर का आधा पानी लगेगा चाशनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने दाने भून लिए हैं, इसे हम छिलके निकालेंगे। छिलके निकालने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से छिलके निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक साफ कपड़ा लेना है और उसमें मूंगफली के दाने रखने हैं और कपड़े की पोटली बनानी है। अब पोटली बनाने के बाद इसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे पटकना है, जिससे कि इससे छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा हम हाथ से भी थोड़ा सा इसे मसल लेंगे। अब हम देखते हैं, इसके लगभग सारे छिलके निकल गए हैं। अब हम इसे थाली में लेकर छिलके अलग कर देते हैं। अब हमारे दाने के छिलके उतर चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी में डालकर इसे पीस लेते हैं। और बादाम के बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं, लंबे। अब हमने मूंगफली का पाउडर बना लिया है। हमें 2 छोटे चम्मच घी की भी आवश्यकता होगी। अब हम गैस पे पैन रखेंगे, उसमें जितनी शक्कर है उसका आधा पानी डालेंगे और उसमें शक्कर डालकर हम चाशनी बना लेते हैं इसकी। जब तक चीनी घुल रही है इसमें, तब तक हम एक प्लेट को घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब शक्कर घुल चुकी है, हम इसमें 1.5 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसमें मूंगफली के दानों का पाउडर डालते हैं और लगातार हिलाते हैं, ताकि इसमें गुठलियां न बने। अब हमें इसमें अच्छी तरह से घोटना है। हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई ना छोड़ दे। हमें इसे अच्छी तरह से घोटना है, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगा है। हम इसे थोड़ा सा और हिलाकर ग्रीस लगी थाली में पलट देते हैं। अब हमने मिश्रण थाली में पलट दिया है। अब हम इसे हाथ में घी लगाकर एक जैसा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे पॉलीथीन के बीच में रखकर बेलन से बारीक बेल सकते हैं। हम इसे स्पैचुला की मदद से एक जैसे फैला लेते हैं। अब हमने इसे काजू कतली की तरह पतला कर लिया है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स फैला देते हैं। अब हम इन्हें चाकू की सहायता से अपने मनपसंद आकार में काट लेते हैं। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद इसके हम अलग अलग टुकड़े निकाल लेंगे। हमने इसे काट लिया है, तो लीजिए तैयार है गरीबों का काजू कहे जाने वाले मूंगफली की कतली।
यह गुणों में ज़रा भी कम नहीं है और स्वाद में उतनी ही लाजवाब। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। धन्यवाद।